वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी वाईफाई स्टेशनल पर। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि ट्रिपल सी मई मंथ का सर्टिफिकेट कब तक आएगा, क्योंकि जिन बच्चों का मई मंथ में एग्ज़ाम हुआ था उनके सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आए हैं। तो आपके सर्टिफिकेट आने का डेट क्या होगा या कब तक आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे, और ट्रिपल सी अगस्त एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि कैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो मई मंथ का कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आने वाले वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रिपल सी अगस्त का जो एडमिट कार्ड आया है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। अपने मोबाइल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और लैपटॉप पीसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको student.nelet.gov.in आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको नीचे जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछेगा यहाँ पर आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा 2019, और जो एग्जामिनेशन नेम है वो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा अगस्त 2019, और अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद अपना DOB नंबर आपको यहाँ पे जो DOB होगी वो भरना पड़ेगा, और DOB भरते समय एक बात को याद रखना होगा कि जैसे मान लिया किसी की DOB है 10 जुलाई तो यहाँ पे डैश JUL लिखेंगे आप, फिर डैश लगाएंगे, फिर जो भी उसका ईयर है वो आप डाल देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, 10/7 नहीं लिखना है, 10 जुलाई अगस्त सितंबर जो भी है तो शुरुआत के 3 करेक्टर आपको लिखने होंगे, ठीक है। और डैश लगा करके आप अपना जो भी ईयर होगा वो डाल देंगे। उसके बाद में नीचे एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको, ये आप यहाँ पे भर देंगे। तो जैसे ही कैप्चा कोड भरने के बाद में फिर आपको यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करना है और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है डाउनलोड करने में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो है वो कैसे आप डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए फिर इसी वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट आपके जो है किस मंथ तक के आ चुके हैं। यहाँ पे रेगुलर सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करना होगा और सेलेक्ट, यहाँ से CC को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और ईयर यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहाँ से आप इस लिस्ट में आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे ईयर आपका आ चुका है 2019, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी और मार्च 2 मंथ के आपके जो डिप्लोमा हैं वो यानी कि सर्टिफिकेट हैं वो जारी हो चुके हैं। तो अभी भी मई मंथ का कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। अब ये कब तक जारी होगा ये जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको तुरंत ही बता देंगे कि आपका जो मई मंथ का सर्टिफिकेट है वो कब तक आएगा। लेकिन मुझे लगता था कि ये आपका जो है इसी मंथ में आ सकता है, उम्मीद है कि 28-29 तक या 30 तक आ सकता है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट आने का समय हो चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपका जल्द ही लगभग 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो है आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा आपको तुरंत ही सूचना मिल जाएगी। आप चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको तुरंत बताएंगे, और कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे फरवरी और मार्च का है, इसके बाद अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ नहीं था तो अप्रैल का नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे मई का दिखाई देगा। तो मई का जैसे ही आएगा वैसे आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।